यो व्हाट्स हैपनिंग गाइस, माय नेम इज लॉगी और आज हम फिर से दुबई वाली सिटी में। क्या बात है भाई साहब। और गाइस आज मैंने सोचा है कि मैं चपाती भाई के पास जाऊंगा और आज मैं उनको बोलूंगा कि आज हम गाइस करेंगे फिशिंग। और ओ तेरी ओए हैंग ऑन अ मिनट गाइस, हे यहां पर इतनी सारी पुलिस कैसे खड़ी है ओए। ओके अगर मैं यहां से देखूं तो ओ भाई साहब वो देखो सामने भी खड़ी है, एकदम यहां पर भी खड़ी। हेलो भाई साहब, यहां पर पुलिस क्यों खड़ी? अच्छा उधर मुंह कर दिया, मुझे लगता है चपाती भाई को पता होगा। ओए ओए सुनो ए हेलो हेलो चीके मत मार, दुबई सिटी में पुलिस आ चुकी है पता है। मुझे भी दिख रहा है लेकिन क्यों आई है भाई मेरे को नहीं पता यार। आजो भाई पूछते हैं भाई। पूछो इनको, अपना काम करो। दे बंदूकें देख रहे हो, बंदूक बड़ी मोटी मोटी बंदूक, इतनी मोटी बंदूक है तेरे को यहीं पे ठोक देंगे। नहीं बंदूकें पकड़ी है, मुझे लगता है लॉगी को ठोक दे, ठोक लो। ये चपाती भाई तो एकदम से डरपोक है भाई, हमेशा यहाँ पर वीट काटने आ जाते हैं। अगर ये पुलिस ना होती ना मैं तेरा बूथ यहीं पे तोड़ देता। डरपोक काम करता है भाई, चीफ से पूछ कर आते हैं शायद उसको पता होगा। भाई पुलिस को अपना काम करने दे, मैं जाऊंगा भाई, मैं चीफ के पास जाऊंगा, मुझे लगता है उसको डेफिनेटली कुछ ना कुछ पता होगा। मरेगा आज, चीफ ने बोल कर रखा था कि पुलिस आ जाने वाली है क्योंकि यहाँ पर सीन हो चुका है, लेकिन नहीं, क्योंकि पुलिस को अपना काम करने दे ही नहीं रहा। मुझे लगता है चीफ को फिर पता ही होगा। ओके चीफ है, चीफ हाँ ये रहा भाई, चीफ खड़ा है, ये खिड़की के बाहर से देख रहा है भाई की क्या सीन हो रहा है। और भाई साहब वो देखो सामने भी पुलिस खड़ी है भाई वहाँ पर। ये क्या लगा? हेलो दुबई सिटी पीपल, देयर हैज बीन अ मर्डर इन द सिटी। ओ अच्छा तो ये सीन हुआ है दुबई सिटी के अंदर गाइस, किसी का खून हो चुका है यहाँ पर। और आई क्या लिखा है, सो आई कॉल द पुलिस, हूएवर फाइंड्स द कल्प्रिट विल विन अ बिग प्राइज ऑफ डायमंड। अरे क्या बात है डायमंड, फिर तो मुझे इस कल्प्रिट को ढूंढना ही पड़ेगा भाई। ओ कैमरा बाहर निकल, डरपोक कहीं के कहाँ छुपा है? ऐसे तो ऑब्वियसली नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पर पुलिस खड़ी है। वो चपाती भाई इसके बाद गाइस मेरे को ये लेके जानी है। हेलो क्या है भाई आपको पता है चीफ ने मुझे अभी क्या बताया है? तो उससे मुझे बता के रखा है कि यहाँ पर एक मर्डर हो चुका है भाई। सीरियसली? हाँ शहर के अंदर मर्डर कैसे हो चुका है वो पता नहीं भाई, यहाँ पर कहीं ना कहीं तो हुआ। बोलो करते दुबई टावर के ऊपर जाके पूरा सीन देखते हैं क्या हो रहा है भाई। पता है भाई उसने उसके बाद क्या बताया? उसने बोला कि जिसने भी कल्प्रिट को ढूंढा उसको बड़े डायमंड का प्राइज मिलेगा। सीरियसली? आ जाओ भाई उसने खुद बताया। अगर आप मानते नहीं है क्या? रुक मेरे पास खतरनाक आइडिया, हम चीफ को जाके बोल देते हैं कि कल्प्रिट जो है जो खूनी है वो लॉगी है, जितने डायमंड मिलेंगे ना आधे बांट लेंगे। चीफ ये चपाती भाई की बात को बसाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी वैन खड़ी है वहाँ पर, मुझे लगता है वहाँ पर ही कुछ ना कुछ हुआ है, लाइब्रेरी की दुकान भी हुआ वहाँ पर, देख रहा हूँ ब्लॉक है वहाँ पर, फेंसिंग भी लगी है। तो उस तरफ भी पुलिस खड़ी थी, देखा वहाँ पर सारी। हाँ वहाँ भी मैंने सुबह देखा भाई, वहाँ पर भी खड़ी है। हुआ कहाँ पर है? तो मुझे लगता है भाई यहाँ पर ये लाइब्रेरियन की दुकान के बाहर कुछ ना कुछ सीन हुआ है। जाके चेक करते हैं। आ जाओ। ओके हम नीचे तो आ चुके हैं भाई, और अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम एग्जैक्टली क्या करें भाई, कहाँ जा रहे हो? थोड़ा पास आके चलते हो, तुमने नोटिस किया कि गांव के अंदर कोई भी नजर नहीं आ रहा फिलहाल? इसका मतलब ये है कि सारे गांव वाले जो अपने घरों के अंदर है ताकि पुलिस अपना काम आराम से कर सके। फिर हम भी अंदर चलते हैं भाई, मैं चीफ के घर के अंदर था भाई, मैं तो अपना काम कर रहा था लेकिन तूने मेरे को डिस्टर्ब कर दिया। मैं चीफ के घर के अंदर खड़ा हूँ भाई, चीफ मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, देख मैं यहीं पर ही खड़ा। वो क्या ये यहाँ पर अभी TNT फटा? ओ सीरियसली? वो ओ भाई साहब यहाँ पर रेडस्टोन की ब्लॉक भी पड़ी हुई है। तो मैंने उठा लिया। हुआ कैसे ये भाई साहब? ये कैसी सिक्योरिटी है आपकी यहाँ पर? TNT फट गया ये पुलिस, आई थिंक गाइस मेरे को लगता है कि पुलिस को चकमक देने के लिए उस किसी ने जो मेन चोर है वहाँ पर उसने TNT फोड़ा ताकि पुलिस का ध्यान यहाँ पे बढ़ जाए। वीट के अंदर यहाँ पर TNT हटा था भाई, सारी वीट चेक करो, छोड़ उसको, कहीं वो एक्टिवेट ना हो जाए, कहीं और ना पड़ा यहाँ पर। अरे सामने देखो, सामने कहाँ पर है वो? देखो भाई बॉडी पड़ी है। तो यहाँ पर सीन हुआ है, यहाँ पर एक काम करते दूसरे रास्ते से जाके देखते हैं। आजा भाई, मुझे लाइब्रेरी के ऊपर शक हो रहा है। I don't know भाई। यहाँ से भी ब्लॉक है भाई, यहाँ से ब्लॉक कर रखा है पुलिस, यहाँ से बहुत तेज। अगर मैं छलांग मार के जाऊँ, छलांग मार के मैं नहीं जा सकता यार भाई, उस तरफ से आते हैं, उस तरफ ब्रिज की तरफ से। लगे यार ये पुलिस वाले कुछ काम करते हैं नहीं। हाँ भाई मैं इनको देख रहा हूँ यार, ये ऐसे ही खड़े हैं, ऐसे ही फ्लैक्स मार रहे हैं अपनी बंदूकों के साथ, बड़ी बड़ी वाली बंदूकों के साथ भाई। ओके आगे आ जाओ भाई, तुम यहाँ से अंदर जा सकते हैं भाई, लेकिन वो भाई उनके पास बंदूकें हैं, हमें छोड़ेंगे नहीं। प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ से हम अंदर जाएंगे तो वापस बाहर नहीं आ पाएंगे। वो देख मेरे को दिख रहा है सामने बंदा पड़ा हुआ है, वो कौन है यार? वो सामने पड़ा हुआ है एक बंदा, ये कौन है भाई? पहले मैंने इस बंदे को यहाँ पर शहर के अंदर देखा भी नहीं यार ये। ओके भाई आ जाओ भाई, आगे चलते। ओरे ये देखो भाई यहाँ पर बंदूक पड़ी हुई है गोल्ड वाली, ये देखो यहाँ पर। अरे भाई साहब ये तो मेरी बंदूक, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। यहाँ पर बंदूक पड़ी हुई किसकी है भाई? और इसको बंदूक को हाथ मत लगाइयो क्योंकि तेरी उंगलियों के निशान यहाँ पे पड़ जाएंगे, ठीक है? लोगी काम करते हैं, ये पुलिस वालों से कुछ नहीं होने वाला, हमें खुद इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, पता लगाना पड़ेगा किसकी बंदूक है। गोल्ड डेजर्ट ईगल भाई, मेरे पर मत चलाइए भाई, तो मैं भी यहाँ पे ढेर हो जाऊंगा। तो मुझे लगता है सुनो भाई, तो मुझे लगता है जो कल्प्रिट है ये उसकी बंदूक हो सकती है। ओ ये तेरे मेरे तीर का माना है वो। हाँ हाँ आप ले लो, आप ले लो, मेरे पास है। लेकिन हमें पता कैसे लगेगा कि बंदूक किसकी है? ये देखो फ्लैक्स, देख रहे हो भाई?
तो भाई मेरे पास बड़ा मस्त वाला आइडिया आया है। एक काम करते हैं, हम पास वाले गांव के अंदर चलते हैं, वहां पर एक नई गन शॉप खुली है। ओ हाँ, मैंने उसको सुना पता था। होगा भाई कि ये किसकी गन है। आ जाओ। और आज तो हम गाइस इस गन वाली शॉप से, मैं तो लॉगे बहुत मोटी वाली गन लूंगा भाई। सुनो भाई, हम यहाँ पर गन लेने नहीं आए, इस गन के बारे में पता लगाने आए हैं। इतनी मोटी शॉप है भाई, मैं देख रहा हूँ भाई, सामने लिखा है गन स्टोर। आ जाओ भाई, अंदर आ जाओ। यहाँ पर एंट्री कहाँ पर है? लॉगी इस गांव में भी कोई नहीं है, इसका मतलब ये है कि सारे छुपे हुए हैं और तू और मैं ही गांव के अंदर भाग रहे हैं। सही बात भाई, है ये। वो देखो भाई, अंदर गनमैन खड़ा है, उसका नाम भी गनमैन लिखा है। और भाई साहब देख रहा भाई यहाँ पर, और मिनी गन देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो मिनी गन, बक्से भरिया ग्रेनेड की। कहाँ पर? अगर इस बक्स के ऊपर कोई बम गिरेगा तो सारा दुबई सिटी फट जाएगी। हाँ 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 भाई, भाई मेरे को खतरनाक वाली गन दे। ए गनमैन वाले भाई साहब, भाई ये गन तू ले और मुझे बता कि ये गन किसकी है, ये किसने ली है। हाँ हाँ, समझ गया ना भाई। और ये सामने रूम क्या है भाई? शूटिंग रेंज। तो गाइस लॉगे के दिमाग की दाद देनी पड़ेगी, उसने गनमैन वाले को गन दी और वो गन ऑब्वियसली जिसको बेची होगी उसका एड्रेस अपने कंप्यूटर में से निकाल लेगा, फिर हम उसको जाके दबोच लेंगे। क्या बात है, मिस्ट्री सॉल्व। तो अभी मुझे लगता है इसको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा डेटाबेस ढूंढने के लिए, तो एक काम करते हैं, हम शूटिंग रेंज के अंदर चलते हैं। तो आई थिंक पहले भाई चेस्टों में से थोड़ी गन तो ले लो, उसके अंदर तो मिनी गन पड़ी है। मैं लूंगा यहाँ से पिस्तौल। आ जाओ भाई, मैंने भी ले लिया यहाँ पर मोटी वाली। तो यहाँ से मैंने लोड कर दी बंदूक को। आ जाओ भाई, और भाई साहब आ जाओ, अंदर तो शूटिंग रेंज भी बना हुआ है। और मारो मारो, मेरे को तो पॉइंट्स मिल रहे हैं। नाइस, देख रहा भाई, पॉइंट भी मिल रही है। देख रहे, मैं जीतने वाला हूँ, देख लियो ये शूटिंग। पहले आप करो, पहले आप करो, मन से मार रहा हूँ। तीन पॉइंट है, दो पॉइंट है, नाइस, पांच। ऊपर वाली को मारो, ऊपर वाली, पीछे वाला देखियो, पटाक से ढाई पॉइंट मेरे को मिल चुके हैं। नाइस, ये तो फिर इससे अच्छा आगे वाला मार ले, उसे तो पांच पॉइंट मिल रही हैं। नहीं, आगे वाला दो पॉइंट दे रहा है भाई, ये वाला मुझे पांच पॉइंट अभी दे रहा था, अभी दो दे रहा है। मैं पहले 10 शॉट्स मारूंगा। हां, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब में से दो पॉइंट मिली भाई। हां सही बात है, तो टोटल में आपको मिली 20 पॉइंट। चल लेट्स गो, अभी तेरी बारी है। ओके रेडी, तो 1 2, अच्छा ऊपर पॉइंट दिख ही नहीं रही है भाई। 3 4 5 6 7 8, ये क्या भाई, सिर्फ दो पॉइंट ही निकल रहे हैं, अंदर दो पॉइंट निकल रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, विजेता गाइस आपके सामने है, मैं जीत चुका हूं। थैंक यू, मैं जीत चुका हूं। और अभी मेरे पास बड़ा खतरनाक आईडिया आया है। ये तो हम छोटी सी गन यूज कर रहे हैं, अगर हम मोटी गन लेकर आएंगे तो हमें और पॉइंट्स मिलेंगे। जो मिनी गन ट्राई करते हैं इसके ऊपर। मिनी गन कहां पर है? ये रही भाई, बंद ही नहीं होगी, पूरा चेस्ट यहां पर भरा है मिनी गन से। उठा लो, निकाल लिया, और इसके अंदर मुझे बुलेट्स भी डालनी है। ओके, एकदम से मेरी मिनी गन लोडेड हो चुकी है भाई, 1500 बुलेट्स के साथ। और आ जाओ भाई, टूट जाएगा, शूट 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 होती है। और मारो मारो, ये क्या है, इससे तो सिर्फ एक ही पॉइंट निकल रही है। अभी मेरी बारी है। हां हां, अभी मारो भाई, अबे क्या करो, शूटिंग रेंज तोड़ दी। यो शूट, ये देख ले गाइस, तो मैं जीत चुका हूँ। क्या बात, अपने पूरा डिफेंस सिस्टम खराब कर दिया। सिर्फ एक ही पॉइंट निकल रही है उसमें से। हट जा लोगी, हट जा। क्या क्या अभी क्या लेकर आए हो? अभी देखियो बचा ग्रेनेड। ये क्या, अबे वो भी पूरी जगह फट जाएगी भाई, फटेगी, कुछ नहीं होगा। पूरा शूटिंग रेंज फोड़ दिया। निकल जाओ भाई। हेलो सर जी, हाँ आपको एड्रेस मिला क्या उस बंदे का? गनमैन को कुछ मिला? गनमैन को कुछ मिला भाई? एक मिनट, मैं से पूछता हूँ। ओके, ये क्या बता रहा है? द गाय द बोट दिस गन फ्रॉम मी लास्ट वीक। समझ गया भाई, पिछले हफ्ते इसने गन ली है, और इसकी कोऑर्डिनेट्स है -3 4 5 68 -4 4 3 5। तो समझ गया ना भाई, बिल्कुल जंगल के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि वो घर उसके जंगल के अंदर बना कर रखा है। ओ हाँ, ऐसा हो सकता है भाई। तो गाइस मैं एक बार फिर से इसकी कोऑर्डिनेट चेक कर लेता हूँ, और हम बिल्कुल जंगल के अंदर जाके उसके घर के लॉगिन। भाई मैं अभी नहीं जाऊंगा भाई, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से थोड़ी गन्स भी ले लेते हैं सेफ्टी के लिए। वही कहने वाला था, थोड़ी गन्स वगैरह ले लेते हैं। ऑब्वियसली उसने एक बंदे को मारा, तो उसके पास गन्स जरूर होंगी, सेफ्टी के लिए हम गन्स लेंगे। अरे रॉयल शील्ड, हाँ शील्ड उठा लो भाई, यहाँ से पुलिस वाली शील्ड है। और इसके अंदर क्या क्या बात है भाई, गन्ने तो बड़ी खतरनाक वाली लगी है। स्कार, मैं तो यहाँ से स्कार लूंगा। लॉगी एक काम करते हैं, हमें थोड़ी बहुत पुलिस की मदद करनी चाहिए, हम ये कोऑर्डिनेट्स पुलिस को बताते हैं और पुलिस के साथ वहाँ पर जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, सही है, सही है, पुलिस के साथ जाएंगे भाई, और मैं एकदम से रेडी हूँ अपनी शील्ड और स्कार के साथ। और गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम पता करेंगे कि दुबई सिटी के अंदर खून किसने किया है। तो चलिए गाइस, आई थिंक अब इस वीडियो में इतना काफी है। होप यू एंजॉयड, मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब। नाउ सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।